और मुझे नहीं पता था मैं मिल पाऊंगी, बट थैंक यू सर, आपसे मिली बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप यू गाइज डूइंग वेल। सो अभी मैं हूँ जौनपुर में, क्योंकि हमारा शूट लगा हुआ है। सो गुड मॉर्निंग, और मैं बाहर का व्यू दिखा देती हूँ आप लोगों को, कैसा है। बहुत अच्छा हो रखा है, पूरी ग्रीनरी है हमारे रूम के बाहर। और होटल रूम भी दिखा देती हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं शूट पे, अभी सो क्यूट है, अभी ब्रश मंजन नहाना धोना जो भी होगा, फिर हमारी गाड़ी नीचे आ चुकी है और बस रेडी होके जाना है वहाँ पे, फिर रेडी होंगे हम रूम में। खाने ये गाइस हमारा रूम बहुत मैसी हो रखा है, क्योंकि हम लोगों को फटाफट करना था तो जल्दी जल्दी, और मिनी अपने सामान बटोर रही है। ये लड़की बिना मेकअप का झुमका पहनी बहुत गंदी लग रही है। मिनी दिखा फेस। बहुत गंदी लग रही है, उतार दे। नहीं। और चूड़ी भी पहन रही, पागल हो गई, पागल औरत। तो ये है हमारा रूम, बाकी हम रेडी होके आपसे मिलेंगे, बाय। सो गाइस, हम लोग का आधा अधूरा मेकअप हो गया है, मिनी भी रेडी हो गई, चुप रहा पहले। और इतनी इतनी गंदी चीज, इतनी गंदी चीज, मुझे पानी से डर लगता है और नाव से जाना है उस पार। मिनी मुझे सच में बहुत डर लगता है, डर तो मुझे भी लगता था। मम्मी हाय राम रे मिनी। तो गाइस देख सकते हैं, ऐसे नाव से जाना है उस पार, हम लोग को नदी पार करके वहाँ सेट लगा हुआ है लोकेशन। हिमाती हटा हटा तू पट्टा हटा। ये लो सोनू भैया, मैं मन मानते बताओ ब्लॉगिंग कर दी हां का माइक पे, मैं वॉइस ओवर करता हूं डायरेक्ट। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हमारे रोमांटिक सॉन्ग्स कैसे शूट होते हैं, तो इस टाइप से शूट होते हैं। और ये पहला शॉट लगा हुआ है, रोमांटिक और ट्रॉली शॉट है। सो कितने ब्यूटीफुल तरीके से शूट किया जाता है तो आप लोग देख सकते हैं। एक बार इसका नाम मैं बताना चाहती हूँ, इसका नाम हम लोगों ने नया नाम रखा है। डीप है भाई, बहुत डीप है। क्या बोला तूने? इसका नाम हमने मौड़ी रखा है, जो बहुत डीप है। और उसका मतलब समझ जाइए, मौड़ी का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा वाला ना समझिए। चलो चलो। तो गाइज यहाँ शॉट रेडी हो चुका है, और सोनू सर जो कि हमारे कोरियोग्राफर हैं, वो यामिनी मैम और विक्रांत सर को समझा रहे हैं कि कैसे कैसे सीन करना है। थोड़ा रोमांटिक सीन है तो उन्हें समझाया जा रहा है कि ऐसे करना है वैसे करना है, और थोड़ी बहुत मस्ती भी हो रही है। इसके साथ साथ विक्रांत सर लिरिक्स भी देख रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी कन्फ्यूज थे कि लिरिक्स क्या है, जिसके वजह से वो टेक कम्प्लीट नहीं हो पा रहा था। तो थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ता है, बट या सर बहुत अच्छे एक्टर हैं तो वो बहुत जल्दी ही हर चीज़ कवर कर ले रहे हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, जिस चीज़ को सर इतनी देर से सिखा रहे थे फाइनली वो टेक रेडी हो चुका है। हमारे कैमरामैन सर भी रेडी हैं, और सर भी रेडी हैं, यामिनी मैम भी रेडी हैं, तो शॉट लगने वाला है। और ये बहुत अच्छा टेक है, बट यामिनी मैम ने लास्ट में थोड़ी मस्ती कर दी, क्योंकि उनकी साड़ी से सर को डिस्टर्बेंस हो रही थी।
यहाँ पे नेक्स्ट शॉट के लिए लोकेशन थोड़ा सा चेंज होगी, जो कि वो है नदी के दूसरे साइड, इसलिए सर और मैम को जाना पड़ रहा है। सो गाइस, ये सर का लास्ट शॉट है, इसके बाद हमारा पैकअप होने वाला है, उसके बाद मैं आप लोगों को किसी से मिलाने वाली हूँ रूम पे जाके। सो मेरे व्लॉग में एंड तक बने ज़रूर रहना। सबसे डरावना जो शो देता था फिर वो ही है, तो सर उसमें रहते थे और मतलब मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और सर आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे नहीं पता था मैं मिल पाऊंगी, बट थैंक यू सर, आपसे मिली बहुत अच्छा लगा।